नमस्कार। मैं इस देश के बुद्धिजीवियों, शिक्षाविद, प्रबुद्ध नागरिक, सेक्युलर विचार के हिंदुस्तानी, मानवतावादी, मूल्यों के साथ जीने वाला समाज, जिनका पथ आदर्श का हो, जो नैतिकता के साथ भारत के वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता के नैसर्गिक दर्शन को मुस्कुराते देखना चाहता हूं। क्या आप आज भी घर में सोए रहेंगे? क्या आप आज भी मुख दर्शक बने रहेंगे? क्या आप सिर्फ वैचारिक रूप से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति को ही समाज में दर्पण के रूप में अपने प्रतिबिंब को सामने लाएंगे? कल जो घटना घटित हुई जेएनयू में, क्या लगता है आप? पहले तो इस देश की सारी संस्थाएं गुलाम हो चुकी है। लगता है कि हम सोमालिया जैसे देश में जी रहे हैं। हिटलर, स्टालिन और नेपोलियन के युग में हम जा चुके हैं। बंदूक और गोली और तोप की नोक पर हमारी भावनाओं को दबा दी गई। लगता ही नहीं है कि हम भारत की संस्कृति और बड़े विचारों के लिए आवाज उठाने वाले देश के लोग हैं। यह देश हमेशा मूल्यों पर जिया है, कल्याण के पथ पर चला है। हमारे देश की आवाज दुनिया की लोकतंत्र की बेमिसाल आवाज है। न्यायालय से लेकर के छोटी छोटी संस्थाएं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर चोट, और जब एक आतंकी हमला जेएनयू पर हुआ, इसे आप क्या कहेंगे? देश के सारे अभिभावक और देश के सारे ऐसे परिवार जो अपने बच्चों के लिए सपना देखता हो जेएनयू जैसी संस्थाओं के माध्यम से, एक उम्मीद, एक विश्वास, क्या आज वो सब बिखर नहीं गया? सारे सपने और उम्मीदें और विश्वास खत्म नहीं होती चली जा रही है? एक तानाशाह सरकार और हिटलर और तानाशाह व्यक्ति क्या चाहता है इस मुल्क से? अब तो सिर्फ घर ही बच गया ना, जहां इनके आतंकी टेरर और गुंडे प्रवेश करने के लिए बाकी रह गए।
इतनी बड़ी संस्थाएं पर जब हमले हो सकते हैं, जो विविधताओं से भरा हुआ है, पूरी दुनिया के विचारों का संग्रह हो, ये हमला जेएनयू पे नहीं, ये हमला लोकतंत्र पर है, संस्कृति पर है, अभिव्यक्ति पर है, हमारे फ्रीडम पर है, हमारी जिंदगी जीने के तरीके पर है, हमारे इतिहास पर है, भारत की मूल आत्मा पर है। उस संविधान पर है जहां न्याय के साथ सबको जीने का अधिकार मिला हुआ, मुस्कुराने का। हम आग्रह करेंगे कि आप भरोसा ना करें इस देश के सरकार पे। आपने देखा कि किस तरीके से एबीपी के गुंडों ने हमारी एक परिवर्तनकारी बेटियों पर और बच्चियों पर हमला किया। आज हमें मरने की तैयारी करनी होगी यदि लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो। अब इन गूंगे बहरे सरकार को आवाज से मतलब नहीं है, यह सेना फौज और बंदूकों के बूट के थाप पर हमारी जिंदगी को ही खत्म करना चाहते। हम इस देश के 400 उन छात्रों और युवाओं से अपील करते हैं कि अब यह देश आपकी राह देख रहा है, मृत प्राय हो चुकी है विचार। हमारे बुजुर्ग, हमारे सेकुलर लोग, सिविल सोसाइटी, प्लीज अब बचा लीजिए। हमें एक लंबी लड़ाई लड़के इस झूठी और फरेबी सरकार जो एवीएम के द्वारा और ना जाने कई तरह के गलत सेंटीमेंट के द्वारा जो दूसरी बार इस लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए बैठी है, इसे हमें उखाड़ फेंकना होगा। हमें इनके गुंडों से लड़ना होगा, हमें इनके गुंडों के सामने मुकाबला करना होगा, हमें आवाज के साथ मरने की तैयारी करनी होगी। जब मेरी बहन बेटी मां ही नहीं बचेगी, मेरी संस्थाएं और विचार नहीं बचेगा, जब मेरा संविधान ही नहीं बचेगा, हम उस लोकतंत्र में क्या करेंगे रह के? आप हमें बताइए, जिस लोकतंत्र में सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए, आप हम जीने का माध्यम समाप्त कर दिया गया। इसलिए मेरा आग्रह है कि हमें न्याय के लिए निकलना होगा और इन गुंडों का मुकाबला हमें और गुंडों के पीछे जो एक बड़ी ताकत है सरकार के, उससे करना होगा। आइए ज्वाइन करें हम इस सेफ डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, एक मॉरल वैल्यू के लिए। और इस देश की एकता और लोकतंत्र को सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब जेएनयू, जामिया, डीयू, पीयू, एएमयू, कलकत्ता, आंध्रा, तमिलनाडु,
जो मेरा है, अपना है, मेरा खून है, जिससे मुझे बहुत उम्मीद है। वर्तमान और भविष्य हमारा इतिहास है, उसकी सुरक्षित संस्थाओं को बचाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और हम 1 बजे तक उम्मीद करते हैं कि मैं वहां पहुंचूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।